आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, एलपीजी कनेक्शन लेना हुआ है महंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1050 रुपए की हुई है बढ़ोतरी, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, आसानी से लिख खरीद सकेंगे इंश्योरेंस, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा टेक कंपनी गूगल का बड़ा फैसला, अब यूजर्स नहीं उठा पाएंगे इस जरूरी सर्विस का लाभ, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में 1,25,000 से अधिक लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री ने किया है ऐलान, आखिर कौन से राज्य में ये ऐलान हुआ है बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन लेना हुआ है महंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1050 रुपए का हुआ है इजाफा, आपकी जेब पर महंगाई का एक और यहाँ पर जो मार है पड़ने वाली। दरअसल कल से जो कमर्शियल एलपीजी गैस कनेक्शन है वो महंगा हो गया, ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम में बढ़ोतरी की गई वृद्धि के कारण यहाँ पर हुआ है। इससे पहले यहाँ पर ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर बढ़ा दिया था, बढ़ी हुई कीमतें जो है कल से यहाँ पर लागू हो गई है। जो ग्राहक है उनको यहाँ पर 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन के लिए 2525 रुपए की बजाय 3600 रुपए यहाँ पर देने होंगे। गौरतलब है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1050 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वही 47 किलोग्राम वाले गैस कनेक्शन की सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि यहाँ पर की गई है। इसकी कीमत पहले यहाँ पर जो उसकी कीमत है वो पहले यहाँ पर 6450 रुपए थे, 6450 रुपए थे, अब ये 7350 रुपए हो गई है, यानी इसकी कीमत में भी 900 रुपए का इजाफा यहाँ पर किया गया है। वही 14 किलो 200 ग्राम वाले जो गैस कनेक्शन है घरेलू गैस कनेक्शन है उनके लिए यहाँ पर अब 1450 रुपए की जगह 2200 रुपए यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देने होंगे। इसमें 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 5 किलो वाले गैस कनेक्शन के लिए अब 1150 रुपए देने होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो टेक कंपनी गूगल का बड़ा फैसला, अब यूजर्स नहीं उठा पाएंगे इन जरूरी सर्विस का लाभ। गूगल के प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऐप शामिल है जिनमें यूजर्स को अलग अलग सर्विस यहाँ पर दी जाती है। इन्हीं ऐपों में से शामिल एक हैंगआउट्स ऐप भी है जिसे जल्दी कंपनी बंद करने वाली है। बता दें आपको कि फरवरी से गूगल ने वर्कस्पेस यूजर्स के लिए इस ऐप को नए गूगल चैट में चेंज यहाँ पर कर दिया है। वही खबर के अनुसार साल के अंत तक गूगल हैंगआउट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, यानी ये जो गूगल हैंगआउट्स जो ऐप्स हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसके सभी यूजर्स गूगल चैट पर यहाँ पर चले जा सकते हैं, यानी उन पर ले जाया जा सकता है। इसे लेकर गूगल द्वारा नया जो एक ब्लॉग पोस्ट है उसमें यहाँ पर ये खुलासा किया गया है। इसमें उन्होंने बताया कि नवंबर 2022 में गूगल हैंगआउट्स को हटा दिया, यहाँ पर नवंबर 2022 में यहाँ पर गूगल हैंगआउट्स को हटा दिया जाएगा। वही हैंगआउट्स यूजर्स को कंपनी द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि वह गूगल चैट में यहाँ पर आ जाए। वही आपको बता दें कि यहाँ पर डेस्कटॉप और मोबाइल यूजर्स दोनों के लिए गूगल हैंगआउट्स यहाँ पर बंद होगा, जिसकी वजह से गूगल चैट यहाँ पर जिसकी जो जगह है वो गूगल चैट यहाँ पर लेगी। वह हैंगआउट्स यूजर्स के डाटे यहाँ पर जो यूजर्स जो है वो डाटाबेस में डाउनलोड कर सकेंगे। वह हैंगआउट्स को बंद करने से यहाँ पर जो ये बंद होगा उसके करने से पहले इसके जो डेटा है वो डाउनलोड करने का विकल्प यहाँ पर दिया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, आसानी से खरीद सकेंगे इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ और IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलाया है हाथ। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने यहाँ पर हाथ मिला दिया है। दरअसल स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जो IDFC बैंक है इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत स्टार हेल्थ अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स IDFC फर्स्ट बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर बैंक के ग्राहकों को बेच पाएंगे। दरअसल स्टार हेल्थ के MD ने इस संबंध में कहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक के साथ हमारी यहाँ पर रणनीतिक साझेदारी सभी को बीमा मुहैया कराने की दिशा में अगला कदम है। इस साझेदारी से हमें यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों तक पहुँचने का मौका मिलेगा, उन्हें बढ़ते हुए हेल्थ केयर कॉस्ट और खुद को यहाँ पर बचाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। दरअसल इस गठजोड़ से स्टार हेल्थ को एक नया यहाँ पर कस्टमर बेस मिलेगा। वही IDFC फर्स्ट बैंक ग्राहकों को इस साझेदारी के बाद इंश्योरेंस लेने के लिए एक इन हाउस विकल्प भी यहाँ पर मिल जाएगा। इससे उन्हें इंश्योरेंस खरीदने में आसानी होगी। संभव है कि स्टार हेल्थ IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को सस्ते में जो इंश्योरेंस है वो उपलब्ध कराएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो आई है मीट और मुर्गी की महंगाई, 20 से 25 रुपए तक बढ़े हैं चिकन के दाम।
अब महंगाई की मार अंडे और पोल्ट्री मीट तक यहाँ पर पहुंच गई। दरअसल अंडे और मीट के दाम में पहले से ज्यादा तेजी यहाँ पर देखी जा रही है। वजह बताई जा रही है कि लागत और खर्च पहले की तुलना में बढ़ गए हैं, लिहाजा अंडे और मीट भी यहाँ पर महंगे हो गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ पर 5 रुपये और 50 पैसों बिकने वाला अंडा 7 रुपये प्रति नग यहाँ पर पहुंच गया है। वह दर्जन या फिर क्रेट के हिसाब से यहाँ पर ले तो यहाँ पर 54 या फिर 58 की राहत यहाँ पर भले ही मिल जाए, लेकिन खुदरा दाम अभी भी 7 रुपये के पास पास ही चल रहे हैं। वह हफ्ते पर पहले इसका रेट 6 रुपये चल रहा था। यही हाल यहाँ पर बॉयलर चिकन का भी है, जिसके दाम अचानक यहाँ पर बढ़ गए हैं। दरअसल अगली बार जब आप मीट की दुकान पर जाए तो आपको ज्यादा टेबल चिल्ली करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि एक हफ्ते में ही जो बॉयलर जो चिकन है उसके दाम में प्रति किलो 20 से 25 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। रेट में वृद्धि का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि चिकन और अंडे का काम यहाँ पर करने वाली कंपनियां और पोल्ट्री फार्म मालिकों ने लागत खर्च बढ़ाने का यहाँ पर हवाला यहाँ पर दिया है। इनका कहना है कि मुर्गियों के दाने पहले से ज्यादा महंगे हो गए, इसलिए अंडे और चिकन के रेट्स बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी में बनेंगे 4 डेटा सेंटर पार्क, मिलेगा 4,000 से अधिक रोजगार। उत्तर प्रदेश में 15,950 करोड़ रुपए की लागत से 4 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे राज्य परिषद ने यहाँ पर जो राज्य मंत्री परिषद ने मंगलवार को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी। वह सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश यहाँ पर से अधिक के निवेश पर 4 डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने के संबंधी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। इससे लगभग उत्तर प्रदेश के 4,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मंजूरी यहाँ पर दे दी, यानी हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की मंजूरी यहां पर दे दी। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इससे जुड़ी कंपनियों को कई वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल ईवी पॉलिसी से वाहन के जो वाहन चलाने वाले यानी वाहन खरीदार है उनके साथ साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। दरअसल हरियाणा के अंदर 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% या फिर 6 लाख रुपए की छूट इसमें मिलेगी। वही 15 से 40 लाख रुपए की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 3 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। वही 40 से 70 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक जो कार है उस पर 15% 10 लाख रुपए की छूट मिलेगी। वही इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर 3-व्हीलर खरीदने पर मोटर या फिर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% जो छूट है वो दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल ने यूजर्स को दी है बड़ी खुशखबरी, बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जीमेल। जीमेल एक पॉपुलर मेल सर्विस है और रिपोर्ट के मुताबिक 1.8 अरब यूजर्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं और 75% लोग जीमेल को अपने मोबाइल डिवाइस पर ही इस्तेमाल करते हैं। शायद यही वजह है कि गूगल ने अब जीमेल को ऑफलाइन इस्तेमाल करने की सुविधा को शुरू कर दिया। दरअसल कैलिफोर्निया स्थित टेक डिगर्स माउंटेन व्यू के अनुसार यूजर्स जो है गूगल यूजर्स अब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने पर भी अपना जो जीमेल मैसेज है वो पढ़ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर रिस्पॉन्स और सर्च भी यहाँ पर कर सकेंगे। वही गूगल का ये जो जीमेल फीचर है काफी शानदार फीचर साबित होने पर है, खासतौर पर ये कम कनेक्टिविटी वाले स्थानों और बिना इंटरनेट वाले जगहों पर जो लोगों की परेशानियां है उसको यहाँ पर आसान करेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो एमपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, अब 1,25,000 से अधिक लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है ऐलान। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की है कि अगले 1.5 साल के भीतर सरकारी क्षेत्र में 1,25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना में की। वही पन्ना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पन्ना शहर के विकास में हमारी जो सरकार है वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वही जलापूर्ति और प्रवाहन को बेहतर व्यवस्था यहाँ पर करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं अगले 1.5 साल के भीतर सरकारी क्षेत्र में 1,25,000 से अधिक लोगों को यानी नागरिकों की भर्ती का भी वादा करता हूँ। उन्होंने ये ऐलान यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब इन ट्रेनों में बढ़ गई है डिब्बों की संख्या, इस रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे ने कई तरह के कदम उठाए। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु डिब्बों में स्थायी यहाँ पर बढ़ोतरी की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेनों में द्वितीय शयनयान श्रेणी जो डिब्बे हैं वो बढ़ाए हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों में रूट्स में बदलाव यहाँ पर किया है। रेलवे के मुताबिक मिट्टी कटाव और पानी भर जाने के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के
यहाँ पर जो लिमांडिंग जंक्शन मंडल है वहाँ के, यहाँ पर बदरपुर और जो रेलखंड है बदरखान, और इसके अलावा यहाँ पर डेटेड कार्ड स्टेशन के बीच रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसके अलावा रेल यात्रा द्वारा जो यात्रा है उनकी सुविधा हेतु ओखा जयपुर और ओखा में राजकोट और दिल्ली सराय और राजकोट रेल सेवाओं में एक एक फास्ट एसी डिब्बे स्थायी रूप से यहाँ पर लगाए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब गेहूं के बाद सरकार लगाएगी चावल के निर्यात पर रोक, जल्द होगा फैसला। दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यहाँ पर जो महंगाई है वो यहाँ पर सिरदर्द बनी हुई। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच तेजी से चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में पिछले 5 दिनों में चावल की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी हुई। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश ने आवश्यक वस्तु के आयातित पर इम्पोर्टेड ड्यूटी और इसके अलावा टैरिफ को 62.5% से कम करके 25% कर दिया। इसमें चावल भी शामिल है। इसी वजह से घरेलू मार्केट में चावल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से एक बार फिर भारत से चावल के निर्यात पर रोक लगाने की अटकलें जोर पकड़ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार मंत्रालय वास्तव में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय भारत से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अभी तक यहां पर नहीं किया गया है। वह एक्सपर्ट का मानना है कि चावल के निर्यात पर किसी भी प्रतिबंध से उन देशों पर बहुत दबाव पड़ सकता है जो भारत से चावल के आयात पर अत्यधिक यहाँ पर निर्भर है, जिनमें यहाँ पर नेपाल, फिलीपींस और कैमरून, चीन जैसे देश शामिल है।